हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं क्या करने, सेकंड पार्ट मेजर गौरव आर्या आंसर्स एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आ रहा था सुनने में और कई पार्टों में गुस्सा भी आ रहा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आप उसको देखो, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखना। तो जो लिंक है इस फर्स्ट पार्ट का वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी और अगर भूल गई तो सर्च कर लेना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। वी लॉन्च्ड अ जिहाद in Afghanistan together. Four kinds of category of people fought that jihad. Number one, Afghans themselves. Number two, mujahideen from all over the world, from the Islamic world. 20 to 30,000 mujahideen were brought into Afghanistan from all over the Islamic world to fight a jihad against communists. Including Osama bin Laden was brought. Ooh. Then the third, Taliban from our madrasas were trained, equipped, armed and sent in. The fourth category was mercenaries. I am from the special service group. I know some colleagues of mine who went inside with 50-100 odd people as mercenaries and were fighting the Soviets. हम तो काफिर हैं फिर भी झूठे हैं, लेकिन आपका अगर परवेज मुशर्रफ भी काफिर है और वाजिबुल कत्ल है तो बताओ फिर उसको, परवेज मुशर्रफ को टाइट करो फिर। बहरहाल 90% अफगानिस्तान आप लोग कहते हैं तालिबान के अंडर है। हमने बोला ठीक है साहब, तालिबान के होते हुए जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई आईन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई संविधान नहीं है, वहां पर सिर्फ बंदूक का राज चलता है। एक बात बताइए, आप लोग एम्बेसीज पर अटैक करवा सकते हैं, आप लोग स्कूल में बच्चों को मरवा सकते हैं, आप लोग वहां पे बाजारों में बम फटवा सकते हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट करवा सकते हैं। आप इंडिया के ट्रेनिंग कैंप्स जो अफगानिस्तान में है, जो आप लोग कह रहे हैं कि हैं वहां पे, उस पर अटैक नहीं करवा सकते। एक बार आपको नहीं लगा कि साहब जहां पे हम 20-50 छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों को मरवा रहे हैं, जरा हिंदुओं का भी शिकार हो जाए साहब अफगानिस्तान में? यह बात दिल में नहीं आई आपके? क्यों नहीं कर पा रहे भाई? अफगान तालिबान तो आपके हाथ में है, आपके हम मजहब हैं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आप एक बार नारा दीजिए उनको लबैक का, अटैक करेंगे वो? क्यों? कहां है वो ट्रेनिंग कैंप? ऐसे 22 ट्रेनिंग कैंप है इंडिया के भाई। 24 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है, 18 भी तो हो सकते हैं। कहां है ग्रिड रेफरेंस, उनके लोकेशन क्या है? सबके सामने आइए ना, सबके सामने बुलाइए, बोलिए, इंडिया को एक्सपोज करिए। दूसरा पॉइंट बोला साहब, कोई कर्नल राजेश है जो दाइश-ए-पाकिस्तान नाम का एक गिरोह बनाना चाहता है, एक संगठन बनाना चाहता है आतंकवादियों का, यानी कि दहशतगर्दों का। अफगानिस्तान में पोस्टेड है साहब ये कर्नल राजेश। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर नेम्ड कर्नल राजेश हु इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान इज द मास्टर प्लानर एंड द लेटर इन दरी which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now, this was done by 2 Indian intelligence operatives. Their names are held with us. These militants were handed over to a Daesh commander. On 14th of August this year, Pakistan's intelligence agencies averted a massive terrorist attack planned by India. An officer from Indian intelligence agency, Major Farmin Das, which is his code name, operating from Kabul, was planning the attack. He arranged transportation of mines, rockets and explosives. तो इस पूरी ब्रीफिंग में कोई ब्रिगेडियर है इंडिया का, कोई जनरल है इंडिया का। मैं पता नहीं पाकिस्तान में गूगल काम करता है कि नहीं करता, नहीं करता। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हो इतना? दोजख में ना तेल में उबाल के डबल फ्राई करा जाएगा सबको, ठीक है, वो भी ऑलिव ऑयल में, हेल्दी ऑलिव ऑयल। यार सुनो, जो आईएसआई है वो फौज आपकी रन करती है, यानी कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, उसमें पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स की, यानी कि वो फौज का इदारा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सिविलियंस का इदारा है। भारत एक डेमोक्रेसी है, यहां पे 99% इदारे सिविलियंस चलाते हैं, फौज नहीं चलाती। तो क्यों झूठ बोलते हैं? अगर आप सिर्फ कहते कि कोई राजेश सिंह है, राजेश कुमार है रॉक ऑफिसर, फिर भी हम बिलीव कर लेते, फिर भी हमें थोड़ा सा भरोसा हो जाता आपकी बात पे कि चल हो रहे हैं, कोई नाम तो लिया इन्होंने, कोई कर्नल है, क्योंकि आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में वही है ना, कर्नल ब्रिगेडियर, इसके आगे आप कभी सोच नहीं पाए अपनी लाइफ में, इसलिए एक मेजर से इतना डरते हैं। अगर मैं अपने नाम के आगे मेजर हटा दूं तो आप लोग को चढ़ दौड़ा मेरे ऊपर, तो मैं कह देता हूँ मेजर है इसलिए पाकिस्तान काम जाता है, और मेरी जगह को कर्नल होता है इंडियन आर्मी का तो आप जमीन पर लेट जाते हैं। बिल्कुल, तो कहने की बात यह दोस्तों कि रॉ जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक सिविलियन इदारा है जो रॉ के चीफ से लेकर रॉ के नीचे तक, अगर कोई फौजी आया भी पोस्टिंग में वंस इन अ वाइल, वो रेयर है, वो 99% या 100% सिविलियन इदारा है रॉ। आप लोग अजीत डोवाल साहब का नाम लेते हैं बड़ा, अजीत डोवाल साहब सिविलियन हैं, वो फौजी नहीं हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर हैं ये। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं ये ब्रिगेडियर, ये जनरल? इंडियन आर्मी डज नॉट ऑपरेट आउटसाइड इंडिया अनलेस इट इज द यूनाइटेड नेशंस। यूएन में जब ट्रूप्स जाते हैं, यूएन के चार्टर के तहत, तब इंडियन आर्मी बाहर जाती है, इंडियन आर्मी बाहर ऑपरेट नहीं करती है, इंडियन आर्मी सिर्फ इंडिया में ही है हमारे मुल्क की दिफा के लिए। तो ये झूठ बोलना बंद करें, आपने जरा जर्नलों से बोले थोड़ा पढ़ लिख लें, ठीक है, तो मदरसे में तो यही उल्टी सीधी चीज पढ़ाएंगे, तो थोड़ा रियल यूनिवर्सिटी में जाओ, थोड़ा देखो, दीन से हट के थोड़ा दुनिया की तरफ भी आओ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, एक और इल्जाम लगाया गया कि ये जो कर्नल राजेश है ना, ये कर्नल राजेश जो है, ये रावलपिंडी के एक मीटिंग रूम में GHQ में एक स्केच बनाई गई, मुझे लगता है, क्योंकि इतना बड़ा फेक मामला है ये। क्यों? इनका ये कहना है कि कर्नल राजेश एक बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है, अच्छा, है ना। ये काम क्या कर रहा है कि यानी कि BLA, BRAN, BLF जो है, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, जो तीन बलोच फ्रीडम फाइटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ हिजबुल अहरार, जमातुल अहरार और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब ये जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं साहब, इनका, ये जो कर्नल राजेश साहब हैं इंडिया के रॉ के, अकॉर्डिंग टू ISPR एंड अकॉर्डिंग टू शाह महमूद कुरैशी, ये इनका कंसोर्शियम बना रहा है। आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान विद इट्स ब्रेक अवे फैक्शंस जमातुल अहरार एंड हिजबुल अहरार इन ऑगस्ट 2020, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, इंडिया हैज बीन एंडेवरिंग टू एस्टैब्लिश a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. Now these are already united under the banner of BRAS, BRAS, and this organization BRAS was constituted in 2018. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. यानी कि ये जो कर्नल राजेश है, ये सबको कह रहा है कि तुम इकट्ठा हो जाओ और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो। एक कर्नल इंडियन आर्मी का, आप सोचिए, अगर कर्नल की जगह किसी दिन अगर इंडिया ने ब्रिगेडियर भेज दिया, वो तो आग लगा देगा पाकिस्तान में। क्यों? मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। अब मैं आपको बता, देखिए इंडिया में एक कर्नल की बहुत इज्जत होती है, राइट, पर इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया का कर्नल एक कर्नल है, उसकी इज्जत बहुत है, लोग उसका अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, लेकिन उसको खुदा नहीं मानते, उसके कदमों पे सजदा नहीं करते जैसा पाकिस्तान में होता है। हमारे यहां वो वाला वीडियो नहीं चल सकता कभी कि मैं कर्नल की बीवी हूं और कर्नल की बीवी आ गई, पूरा उसने ट्रैफिक जाम करवा दिया पाकिस्तान में, और वहां पे सारे पुलिस वाले जितने भी एहलकार हैं सब ऐसे सर माथे ने जी आलीजा, क्योंकि भाई वो कर्नल की बीवी। इंडिया में ये सब नहीं होता। इंडिया में फौजियों की इज्जत बहुत है, खुद रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि आपके यहाँ इज्जत नहीं, आपके यहाँ खौफ है। तो ये कहना कि साहब एक कर्नल राजेश है जिसने इतना बड़ा, आपको क्या लगता है एक सिंपल कर्नल इतनी बड़ी चीजें कर रहा है कि छह जो आपके ये ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, इनको इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। वाह, ये पाकिस्तानी, पता है आईएसपीआर वाले ऐसा झूठ क्यों बोल देते हैं? कहानी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप लोग जाहिल हैं और आप लोग कभी इस चीज को डिस्प्यूट करेंगे नहीं, आप गलत मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए पाकिस्तानी फौजी सिर्फ फौजी नहीं है, वो सिर्फ काबिल एहतराम नहीं, वो एक्चुअली खुदा है। आप उसको खुदा मानते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं। अपना किबला दुरुस्त करिए। आपका किबला जो है ना, इट शुड बी पॉइंटिंग वेस्ट, इट शुड नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स GHQ रावलपिंडी। थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर पे लाइए आप लोग। ये सब जो ड्रामा, पता क्यों हो रहा है? ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके एक पार्लियामेंटेरियन ने हल्के से छेड़ा, बोला कि साहब शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे आए थे, साथ में कमर जावेद बाजवा साहब थे, बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था, है ना? अच्छा, और उन्होंने बोला साहब इंडिया अटैक कर देगा। अब जवाब तो देना था क्योंकि वो ऑपोजिशन का था जिसने बोला था, तो रूलिंग पार्टी का, ठीक है, E=mc², रूलिंग पार्टी का जो आपका एक है पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट में बोलता है फवाद चौधरी, ये कहता है साहब कि ऐसा नहीं था साहब, कांपा वांपा कोई नहीं, हम भी बड़े मजबूत हैं, पुलवामा में हमने घुसकर इंडिया को मारा। पुलवामा में हुआ क्या था? दहशत गर्दी का हमला हुआ था, दहशत गर्द ने हमला करा था, सुसाइड अटैक करा था, और आपका एक मिनिस्टर, एक वजीर, एक पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में कहता है कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया था हमला, प्राउडली कह रहा है, इतना गंदा, और ये पूरे कौम की जीत है और इमरान खान की कयादत में कौम की जीत है। यानी कि इमरान खान इन्वॉल्वड है। पाकिस्तान का जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आप लोग इलेक्टेड मान लीजिए, उसने हुक्म दिया, क्योंकि उसकी कयादत में हुआ है ना, उसकी लीडरशिप में, यानी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि जाओ और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाओ। ये आपके मिनिस्टर ने बोला और हमको पैर है। अब साहब बोल तो दिया उसने, मुंह से उसके निकल गया, अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? तो ये सब ड्रामा जो हुआ है ये उसके डैमेज कंट्रोल के, क्योंकि आप FATF में फंसे हुए हैं। आटे की बोरी कितने की है सब बताने की जरूरत नहीं मुझे, चीनी कितने की मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब यही अगर ब्लैकलिस्ट पर चले जाएंगे ना तो चीनी नसीब नहीं होगी ना आटा नसीब होगा। इसीलिए ये सब फ्रॉड रचा गया है, ये 14 नवंबर वाला फ्रॉड, ठीक है। अब साहब सोने पे सुहागा, आपके होम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर द इंटीरियर ब्रिगेडियर एजाज शाह, ये कहते हैं साहब कि जैसे हारून बिलौर उसके चाचा को मारा था ना, उसी तरीके से जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा उसको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP उसको मार देगी। उन्होंने धमकी दी, आपके होम मिनिस्टर ने धमकी दी। अब देखिए आपका होम मिनिस्टर ये कहता है कि जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा उसको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नस्ते नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा, सरतन से जुदा, ठीक है। आपके दूसरे मेजर जनरल साहब बाबर इफ्तिखार और शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि कोई कर्नल राजेश है जो TTP को चला रहा। आप पहले खुद आपस में मशवरा कर लीजिए कि TTP को कौन चला रहा है, पाकिस्तानी आर्मी चला रही है कि कर्नल राजेश जो बैठा है वो चला रहा है, कौन चला रहा है? आप लोग खुद कंफ्यूज है, आपकी कौम पूरी कंफ्यूज है। और आपकी कौम क्यों कंफ्यूज है उसके ऊपर एक अलग डिफेंसिव ऑफेंस का एक वीडियो होगा, उसमें जेनेटिक्स का बहुत मामला है, और बाद में बोलूंगा, समझने वाले समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स से क्या मामला है, रिड्यूसिंग जेनेटिक पूल का बहुत तगड़ा मामला है, बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर। बट आप लोग देखिए, आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि साहब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में बम फोड़ता है, मारता है आम लोगों को, पाकिस्तानियों को, उसमें हाथ किसका है? उसमें पाकिस्तानी फौज, क्योंकि आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, वो तो कह रहा है साहब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो मारता है, ये लोग कह रहे हैं साहब कोई कर्नल, सो कॉल्ड कर्नल राजेश अफगानिस्तान में वो चलाता। तो आप लोग सोच समझ के मशवरा कर लीजिए, फिर एक बार पूरी कौम एक तरफ देखे। यार ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं आप लोगों की, 22 करोड़ है यार, यूपी से कम पॉपुलेशन है, फिर आप लोगों में इतना झगड़ा। इंडिया में अगर राय का थोड़ा सा इख्तलाफ होता है एक दूसरे से, समझ में आता है कि यू नो 130 करोड़ लोग हैं, आपके तो है भी नहीं कुछ पॉपुलेशन, छोटा सा मुल्क है इतना सा, है ना, पूरे स्टैंप के बराबर छोटा सा, उसमें आप लोगों में इतनी कन्फ्यूजन है कि साहब क्या है, किसने है, टीटीपी क्या है, आपको यही हजम नहीं हो रहा। तो वापस आइए, फीडबैक नीचे कमेंट्स के कॉलम में लिखिए कि कौन गिल्टी है इसमें, कौन है ये कर्नल राजेश एक तरफ और कौन है ये आपका जो होम मिनिस्टर है जो ये कह रहा है कि साहब अगर पाक फौज के खिलाफ बोलोगे तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तुम्हें मार डालेगी। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर नेम्ड कर्नल राजेश who is employed in the Indian embassy in Afghanistan is the master planner, and the letter in Dari which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. It has also been revealed that Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now this was done by 2 Indian intelligence operatives. Their names are held with us. These militants were handed over to a Daesh commander. His name with us is Sheikh Abdul Rahim, alias Abdul Rahman Muslim दोस्त। तो साहब ये एक और जो इल्ज़ाम लगाया गया जो बड़ा हैरान कन है कि साहब ये जो कर्नल राजेश जो है ना, ये अपने आप लोग जो कहते हैं कि अफगानिस्तान में है, उसने शेख अब्दुल रहीम जो दाइश का हेड है उसके साथ 4 मीटिंग करी है। 4 मीटिंग्स में इन्होंने बोला कि साहब हम पेशावर में और साहब लाहौर में और कराची में हम धमाके करेंगे। ठीक है, इनकी प्लानिंग हुई, हिंदुओं की साजिश। अब खुद सोचिए आप लोग, इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई और ये बम धमाके कब होने हैं? सो कॉल्ड ये होने नवंबर तो हम लोग अभी हैं, नवंबर और दिसंबर में धमाके होने हैं सब। ठीक है, और नवंबर और दिसंबर में और क्या होना है पाकिस्तान में, जरा सोचिए पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे मासूम भाइयों और बहनों। इधर नवंबर और दिसंबर में होने पाकिस्तान में पीडीएम के जलसे, राइट? अब आप समझ रहे हैं कि कहानी कहां की बुनी जा रही है कि हमने तो पहले ही बोल दिया अब ये धमाके होंगे, लेकिन ये कार्रवाई पाकिस्तानी करने के लिए और ये बोलेंगे साहब देखिए हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले। इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो इमरान खान गाना गाता है ना बनी गाला से, फॉल्स फ्लैग, ये असली फॉल्स फ्लैग। आपने पहले ही बोल दिया कि धमाके होंगे और अब जब धमाके होंगे आप बोले देखो साहब हमने तो बोला था धमाके होंगे। तो पीडीएम के जलसों को लेकर ये सब हो रहा है, माइंड करिएगा ये लोग करेंगे, क्योंकि इनको अब लगने लगा है डर। पाकिस्तान अंदर से चरमरा रहा है, बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो रहा है और इनका खौफ यह है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक और जो इल्जाम लगा, ये इल्जाम लगा कि साहब भारत ने 30 दहशतगर्द, टेररिस्ट, आतंकवादी इंडिया से भेजे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, दाइश पाकिस्तान में। बड़ी कंट्री ने खाली 30 भेजे साहब, पाकिस्तान के अंदर आप टेरर अटैक्स करिए, खाली 30। अरे एक बात बताइए, भारत आपके पेट पे लात क्यों मारेगा? आपका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो तो टेररिज्म है। पाकिस्तान में टेररिस्ट कौन भेज सकता है? आप सोचिए ना, पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजना तो वैसे ही होता है कि जैसे आप बोल दें कि किसी नदी में मैंने जाके एक गिलास पानी डाल दिया। पाकिस्तान में अगर किसी चीज की कमी नहीं है, इल्म का फुकदान हो सकता है, दिमाग का फुकदान हो सकता है, सेहत का फुकदान हो सकता है, लेकिन दहशतगर्दी का फुकदान थोड़ा है पाकिस्तान में। दहशतगर्दी का जो ग्राफ है वो तो उरूज पे चला रहा है। आप जाइए एफबीआई का पेज देखिए, टॉप 50 टेररिस्ट कौन से हैं वर्ल्ड में, उसमें से 99% पाकिस्तान के अंदर है भाई। आपके मुल्क ने और पैदा क्या करा है? जांगिया बनियान तौलिया बनाते हैं, फुटबॉल बनाते हैं, इसके अलावा आप लोग बनाते क्या? आप लोग आतंकवादी बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं भाई। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है आपके मुल्क में। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान जो बगल में है, आपके बिल्कुल मुल्क से लगा हुआ है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की कमी है? आपके फ्रंटियर एरिया में दहशतगर्दों की कमी है? पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कमी है कि इंडिया से इंपोर्ट करने पड़े 30? दिमाग लगाइए जरा। बिल्कुल भाई, तो मैं कह रही हूं कितने हथियार हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वेपनाइज्ड कंट्रीज ऑन अर्थ। पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में है जिसमें सबसे ज्यादा वेपन्स हैं। हिंदुस्तान को हथियार भेजने की जरूरत है, AK-47 भेजने की जरूरत है। आपके यहां तो प्राइवेट गार्ड्स के पास AK-47 है पाकिस्तान में भाई। इंडिया में आइए, इंडिया में आपको हथियार नहीं दिखेगा दूर दूर, जब तक वो आदमी वर्दी ना पहना हो आपको हथियार नहीं दिखेगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई बैंक के आगे पुरानी से बंदूक लेके कोई गार्ड खड़ा होगा। इंडिया में अगर आप चाहेंगे ना 30 टेररिस्ट, आपको 30 मिलेंगे नहीं, वही है जो वहां से पाकिस्तान से ट्रेन करके यहाँ पे। इंडिया में लोगों के पास हथियार नहीं है। हाँ? पाकिस्तान में ऐसा कोई है नहीं जिसके पास हथियार ना हो, क्योंकि आपके लिए तो जेवर है ना हथियार। हाँ, प्रोहिबिटेड गोर है। पर इंडिया में एक और चीज बता दूं आपको, यहाँ पे आपके एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप लोग फिर दीनी इल्म की ज्यादा बात करते हैं ना, आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं भारत के बारे में। भारत में 2 किस्म के लाइसेंस होते हैं, एक प्रोहिबिटेड बोर, नॉन प्रोहिबिटेड बोर। यानी कि 0.32 नॉन प्रोहिबिटेड बोर है, तो मैं इवन इफ आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर, राइट, मैं सिर्फ 32 बोर की रिवॉल्वर अपने साथ रख सकता हूं, मैं 38 बोर की रिवॉल्वर नहीं रख सकता, मैं 9 mm की पिस्टल अपने पास रख नहीं सकता। और पाकिस्तान में AK-47 लेके लोग आम घूम रहे हैं। आपके गैंग्स के पास AK-47 है, आपके लोगों के जो आप यहाँ पे हमारी हिंदी पिक्चरों में देखते हैं ना, उसका विश्वास मत करिए कि यहाँ पे सबके पास, यहाँ पे कट्टा किसी के पास मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे किसी के पास कुछ नहीं है इंडिया में, वेपन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं यहाँ पे। तो आप लोग क्या सोचते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे है ही नहीं वेपन भाई, तुम्हारे पास भेजेंगे कहाँ? और तुम्हारे पूरा फ्लडेड है योर कंट्री, एवरीबडी हैज गॉट वेपन्स। दर्रा-ए-आदम खेल तो आपके मुल्क में, मेरे मुल्क में थोड़ा है भाई। फ्रेंड्स सच्ची में पता है, जब भी वो आते हैं ना, उनका वो जो मेजर बोलने के लिए कि इंडिया पे ब्लेम करने के लिए, मेरा मन करता है मैं बंद कर दूं, क्योंकि मुझे वो इतना फालतू और मतलब कहीं होती है ना कई चीज की क्या क्या ये तो नॉनसेंस है, क्या देखना है, वो रिएक्शन मेरा होता है कि ये क्या बोल रहा है, इसकी बात सुनने लायक ही नहीं है। तो वही है ना, आप किसी को भी बोलोगे कोई यकीन ही नहीं करेगा। मैं तो मेजर को बोलूंगी आपने बहुत अच्छा बोला था, अच्छा हुआ ये वीडियो बनाया ताकि सबको समझ तो आए। ये थोड़ी कोई कुछ भी बोल दो, आप एक कंट्री के अगेंस्ट बोली जा रहे हो, वो कंट्री जो इतनी पीसफुल है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इसको देखकर, पर कई जगह पे जो मेजर है ना अच्छा आंसर दे रहे हैं, और इनकी सारी बताऊं वो खोल रहे हैं कि भाई क्या बोली जा रहे हो आप। और सबसे मजेदार तो वही था कि नदी के अंदर 1 कप पानी जब डालने के इक्वल होगा अगर हम भेज रहे हैं कोई टेररिस्ट आपके वहां पर। तो मैं भी वही कह रही थी, मैंने कहा कौन भेजेगा, और वहां पर हमारे जितने भी यहाँ पे होंगे वो वहीं से आए हुए होंगे जो हमारी कंट्री को इतना अनसेफ और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम उनको ही डील कर करके हमारा बेचारी कंट्री जो है, जो प्रोग्रेस करने के लिए सोच रही है, तुम्हारे टेररिस्ट जो आ रहे हैं वो उनसे भिड़ने की तैयारियां करनी पड़ती हैं, रादर देन अपनी प्रोग्रेस के लिए हम अपना फोकस करें। तो आई डोंट नो, मुझे तो यही लगता है बुरे फंसे हुए हैं, अब बिना सोचे समझे कुछ भी बोली जा रहे। पर वो जो उन्होंने बताया वो एंगल बहुत अच्छा था कि वहां पे कोई मीटिंग होने वाली है अभी, उनकी प्रोटेस्ट टाइप होने वाली है, और उन्होंने वहां पे पहले भी बताया था कि शायद ब्लास्ट करके उनको रोकेंगे। अब वो बेस क्रिएट कर रहे हैं कि जब ये होगा तो कहेंगे जी इंडिया से आए थे, राइट। सो काफी मतलब लग रहा है कि काफी गलत डायरेक्शन पे जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अब आप ऑफिशियली जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो जिसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। मतलब एक बात होती है कि चलो कोई कुछ कह रहा है, बट ऑफिशियल अगर आप स्टेटमेंट कुछ देते हैं जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, इनफैक्ट कोई प्रूफ नहीं है, तो आप रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। आप एक कंट्री से, जो कंट्री बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, जो सुपर पावर बनने वाली है, आप 5-10 साल में देखिए 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, इंडिया विल बी सुपर पावर, 10 साल का एस्टिमेट है। जिस तरीके से फास्ट इंडिया चल रही है, आप उस कंट्री के अभी जो है उससे रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं अननेसेसरीली, ठीक है, अपने पर्पस के लिए। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ उनकी अपोजिशन पार्टीज है जो भी हैं वहाँ पे प्रदर्शन करेंगी, तब हो सकता है यूज़ करें, वो देखा जाएगा। मगर आप जो भी बना रहे हैं अननेसेसरी आप क्रिएट करें। कभी कोई भी कंट्री जो है इस तरीके से कोई सबूत नहीं देती अपनी अपने उसमें, अगर आपको रियली आपके पास रियल सबूत है तो आप तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान को जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है यूएन में वो रेस करते हैं पॉइंट्स, आप अपनी चाइना से बुलवाते हैं, किसे बुलवाते हैं, यूएन में बोलते हैं, वहाँ पे प्रूफ देते हैं, मगर ये सिर्फ लोकल कंजम्पशन के लिए। लोकली आपने कुछ बोल दिया, अपने रिलेशनशिप और ख़राब कर लिए, ऊपर से क्रेडिबल एविडेंस आपके पास नहीं है, तो काफ़ी दुख होता है। और कोई भी अगर इंडियन देखेगा तो यही बोलेगा सब बकवास है, बोगस है, नॉनसेंस है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी परवरिश है, जिस तरीके से हमारी एजुकेशन है, जिस तरीके से हम इंडिया में रहते हैं, हमने सब कुछ देखा है, उसको ये बोलेगा तो बोलेंगे क्या बकवास बोल रहा है यार तू। तो मतलब पॉइंट तो यही है, हर इंडियन यही बात कहेगा। और मेरे ख्याल से इनका मैं देखूँ तो अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं किसी बहुत ही पावरफुल कंट्री से, इनको दुख होगा बाद में कि इन्होंने ही ख़राब की है अपनी रिलेशनशिप। सभी से करी जा रहे हैं, वहाँ फ्रांस से कर ली, वहाँ सऊदी अरेबिया से कर ली है, तो पता नहीं। अब मैं तो कहूँगी कि खुद ही वो कहते हैं ना जैसे कुआं खोद रहे हैं, उस टाइप से काम हो रहे हैं। पर देखो आगे चल के, चलो आगे का वीडियो देखते हैं और पता करते हैं अभी और क्या क्या बताते हैं मेजर गौरव आर्या। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।